यहाँ पुरातत्व विभाग ने अपनी अभिरक्षा में 51 प्राचीन पाषाण प्रतिमाएं ली हैं। कुछ दिनों में सारी मूर्तियां विद्याधर नगर थाने से रखवाई जाएंगी। विरासत संग्रहालय लाई गई प्रतिमाएं विभाग के द्वारा गठित कमेटी प्रतिमाओं की फोटोग्राफी कर रही है। सच बेधड़क ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। पुरातत्व विभाग निदेशक पंकज धरेंद्र ने जानकारी दी। गठित कमेटी प्रतिमाओं की फोटोग्राफी कर रही है। सच बेधड़क ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और अब पुरातत्व विभाग ने अभिरक्षा में ले ली हैं ये तमाम प्रतिमाएं। 51 पाषाण प्रतिमाएं हैं ये जो विरासत संग्रहालय में लाई गई हैं और जिस कमेटी का गठन हुआ वो फिलहाल प्रतिमाओं की फोटोग्राफी कर रही है। पुरातत्व विभाग ने अभिरक्षा में ली हैं ये प्रतिमाएं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी प्रमोद शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या कुछ पूरी जानकारी है? किशनपुर के विरासत संग्रहालय में ये मूर्तियां लाई गई हैं और सच बेधड़क ने भी प्रमुखता से खबर को प्रसारित किया था। जी मनीषा, मैं आपको बताना चाहूंगा, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की अच्छी पहल है। विजयनगर नगर थाने में रखी घिया प्रकरण में बरामद मूर्तियों को अभिरक्षा में ले लिया गया है। 51 प्राचीन जो पाषाण प्रतिमा है वो किशनपुर स्थित विरासत संग्रहालय में लाई जाएगी और यह जो कार्य है वो 3-4 दिनों तक चलेगा सारी मूर्तियों को लाने का। और जो निदेशक है पुरातत्व विभाग के पंकज धरेंद्र, उन्होंने बताया कि विद्याधर नगर थाने से मूर्तियों को अभिरक्षा में लिए जाने का कार्य शुरू हो गया है। पहले दिन में 51 पाषाण मूर्तियां लाई गई और आगामी दिनों में भी सारी मूर्तियां और प्रतिमाएं लाई जाएगी। सच बेधड़क ने कई बार ये खबर दिखाई थी, प्रमुखता से दिखाई थी, इसके बाद इसका असर होने लगा है। जी मनीषा, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो किशनपुर के विरासत संग्रहालय में मूर्तियां लाई गई हैं और फिलहाल जिस कमेटी का गठन हुआ है वो इन प्रतिमाओं की फोटोग्राफी कर रही है।